हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एम एक्सपीरियंस में। दोस्तों आपको पता है कि MIUI 12 को पोको X2 के लिए लॉन्च कर दिया गया है, मगर यह हर एक यूजर के लिए नहीं है, इसे कुछ स्पेसिफाइड यूजर्स के लिए ही लॉन्च किया गया है। इसे बैचेस में लॉन्च करके देखा जा रहा है कि क्या इसमें कोई परेशानी है या फिर कोई परेशानी नहीं है। कोई अगर बग आता है तो इसे सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उसे फिक्स करके फिर से लॉन्च कर दिया जाएगा, मगर इस तरह से जिन लोगों को नहीं मिल पाया है वो लोग MIUI 12 का मजा नहीं उठा सकते हैं। और MIUI 12 में काफी कूल कूल फीचर्स आए हैं, कुछ नए बदलाव आए हैं, कुछ एनिमेशन आए हैं, तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप MIUI 12 को मैनुअली अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं बिना कोई भी गलती किए हुए। इस वीडियो को पूरी तरह से आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे कर सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी गलती न हो, क्योंकि मैं हर एक स्टेप पे हर एक पॉइंट ऑफ वीडियो पे मैं आपको कुछ ऐसा बताता रहूंगा जिससे कि अपडेट सही तरीके से हो जाए, और इस अपडेट में क्या क्या है वो भी आपको बताता रहूंगा। तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन की तरफ। यह सेटिंग में आपको दिखा देता हूं कि अभी मैं MIUI 11 यूज कर रहा हूं एंड 12 का मेरे में कोई अपडेट नहीं आया है, आप देख सकते हैं। एंड अब 11 का जो साइन है उस पर 10 टाइम्स टैप कीजिएगा तो आपके एक्स्ट्रा सेटिंग्स ऑन हो जाएंगे जो कि एडिशनल है। एंड देन 3 डॉट टैप करके आपको चूज अपडेट पैकेज पर टैप करना है एंड आपको अपना जो पैकेज है उसको सिलेक्ट करना है। चूज अपडेट पैकेज पर कीजिए एंड अपने स्टोरेज में जाइए एंड जो डाउनलोडेड फाइल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कुछ लोडिंग लेने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको लिखाएगा रिबूट एंड अपडेट। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं योर डिवाइस विल रिबूट ऑटोमेटिकली टू MIUI वर्जन 12 फ्रॉम 11, ऐसा आप लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे अब आप रिबूट एंड अपडेट पे टैप कीजिएगा तो आपका फोन रिबूट हो जाएगा MIUI 12 में अपडेट होने के लिए। चलिए अब रिबूट होने के बाद देखते हैं कि कैसा हमारा इंटरफेस आएगा। अब हमारा फोन रिबूट हो चुका है एंड आप देख सकते हैं योर्स एलोन MIUI 12 आ रहा है। नेक्स्ट करने पर यहाँ पे आपको कुछ जो फीचर्स है फोन के की फीचर्स वो आपको दिखाए जाएंगे एंड गास्टिंग फ्लोटिंग विंडोज एंड यहाँ पे कंट्रोल पर सेंटर इसे आप ऑन कर लीजिएगा एंड देन नोट्स अपडेट नाउ पे टैप करते हैं हमारा फोन MIUI 12 में अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं MIUI 12 अपडेट हो चुका है एंड हमारा जो मेन इंटरफेस आ चुका है आप कंट्रोल सेंटर ऊपर से देख सकते हैं, काफी कूल सा iOS वाला लुक देता है। एंड ऊपर उसके बाद आप जब भी कोई ऐप ओपन करेंगे तो आपको जो एनिमेशन देखने को मिल जाती है काफ़ी अच्छे, रिसेंट टास्क जो आप ओपन करते हो तो भी आपको काफ़ी अच्छी एनिमेशन देखने को मिल जाती है यहाँ पे। एंड ऊपर स्लाइड पर कंट्रोल सेंटर एंड साइड से कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए यहाँ पे अपडेटेड MIUI सक्सेसफुली लिख रहा है, इस पर टैप करके देखते हैं व्हाट्स न्यू। यहाँ पे आपके सारे जो की फीचर्स है वो दे रहे हैं, आप इसको पॉज करके देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर करके जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ कि क्या क्या फीचर्स यहाँ पे इसके साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसको क्लोज कर दिया एंड अब बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए, कैमरा को ओपन कर लेते हैं एंड आप देख सकते हैं और दो ऑप्शन पूछ रहा है बर्स्ट मोड, तो मैं यहाँ पे बर्स्ट मोड को सिलेक्ट करके एंड फाइनली ओके कर देता हूँ। ओके आप देख सकते हैं आप जो फोटो मोड के सामने जो हमारा इंटरफेस आ रहा है काफ़ी मतलब चेंज इंटरफेस आ रहा है एंड यहाँ मोड में आपको दे दिया है सब कुछ जो कि पहले स्लाइड में हुआ करता था। यहाँ पे आपको एडिट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप जाके इसको एडिट करके लगा सकते हैं, इधर से उधर आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में आप देख सकते हैं एंड यहाँ ऊपर में एक चीज अच्छा किया है, 10 सेकंड का टाइमर दे दिया है, पहले 5 सेकंड तक का ही टाइमर पोको X2 में दिया करता था, सब तो सेम लग रहा है। चलिए फोटो मोड में आके देखते हैं एंड यहाँ फोटो मोड में जो इंटरफेस है काफी पहले के जैसा सेम है, बस माइक्रो को अंदर कर दिया गया, वहाँ जो ऊपर 3 डॉट के ऊपर माइक्रो है। एंड वीडियो मोड में आप आते हैं तो यहाँ से आपको ब्लॉक मोड को हटा दिया गया है एंड प्रो मोड का काफी मतलब वो जो बॉक्स बना होता था ऑप्शन के साइड उसको हटा दिया गया है एंड ऊपर से एक एक्सपोजर वेरिफिकेशन का एक अलग ऑप्शन दिया है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा एक्चुअली। चलिए तो कैमरा का हो गया, तो कैमरा ऐप को बंद करते हैं एंड देन ओपन कर लेते हैं अपना फाइल मैनेजर एंड फ्लोटिंग विंडो का टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा फ्लोटिंग विंडो ऑन हो चुका है एंड गैलरी खोल के एंड गैलरी के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारा फाइल जो फ्लोटिंग विंडो फाइल मैनेजर वो चल रहा था उसको भी बंद कर देते हैं हम नीचे की तरफ स्लाइड करके एंड नीचे स्लाइड करने से बंद हो गया। एंड चलते हैं अब सेटिंग में फोन के अंदर, देखते हैं हमारे फोन के सेटिंग में क्या क्या बदलाव है। यहाँ अबाउट फोन के सेक्शन में आप देख सकते हैं जो एनिमेशन है वो काफी कूल सा यहाँ पे लग रहा है, स्टोरेज का भी एंड सब कुछ का। एंड देन सर्च बॉक्स में सर्च करते हैं डार्क जो कि हमारा डार्क मोड से रिलेटेड है एंड यहाँ पे डार्क मोड में आप देख सकते हैं डेडिकेटेड एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड का ऑप्शन है एंड यहाँ पे एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट भी है एंड इंडिविजुअल एप्स में आप डार्क मोड सेलेक्ट कर सकते हैं उसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं जो भी हमारे थर्ड पार्टी एप्स है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट या डिसलेक्ट कर सकते हैं बस बहुत ही आसानी से एंड उसमें डार्क मोड या फिर लाइट मोड आ जाएगा। चलिए अब बैक हो जाते हैं पूरी तरह से एंड अब सर्च बॉक्स में सर्च करते हैं हम कंट्रोल सेंटर। जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो आप स्टार्टिंग में ऑन करने का ऑप्शन आता है, बट जो जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है सेटिंग में।
आप यूज न्यू कंट्रोल सेंटर का यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ पे टैप करके कंट्रोल सेंटर आप अपना चालू कर सकते हैं। ऑफ करने पर आप देख सकते हैं जो हमारा पुराना वाला है वो आ चुका है, एंड जब आप इसको ऑन करते हैं तो जो हमारा नया आईओएस की तरह जो हमारा नया कंट्रोल सेंटर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए अब बैक आ गए हैं, तो अब देखते हैं कि नया जो हमारा क्या फीचर है। जो सबसे मेन फीचर है फेस अनलॉक के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप एक फेस डाटा और ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फेस डाटा के साथ, मतलब आप टोटल दो फेस डाटा ऐड कर सकते हैं जो कि और किसी फोन में मैंने आज तक नहीं देखी है। यह मेरा पहला फेस डाटा है, एंड जो हम सेकेंड फेस डाटा ऐड करते हैं चलिए पासवर्ड के बाद, एंड यहाँ पे एनिमेशन काफी ही अच्छा है इसका आ रहा है फेस डाटा ऐड करने के समय जो आता था उसका, एंड नेक्स्ट करने पर ने आप देख सकते हैं मेरा फेस इसने रिकॉग्नाइज कर लिया एंड डन। ने आप हमारे पास दो फेस डाटा सेव हो चुके हैं, टोटल दो ही कर सकते हैं आप, ज्यादा नहीं बट दो भी काफी है क्योंकि मैंने बहुत से फोन में कभी देखा नहीं एक फेस डाटा के अलावा। चलिए यहाँ से बैक हो जाते हैं, सिक्योरिटी ऐप को ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं सिक्योरिटी ऐप में काफी अच्छा है, एनिमेशन आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है, बैटरी में भी आपको एनिमेशन काफी अच्छा मिलता है, अल्ट्रा पावर सेविंग का मोड का ऑप्शन भी नया पे ले आया गया है। चलिए यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस का जो देख रहे हैं इसका भी मतलब काफी अच्छा है, स्कैनिंग का जो एनिमेशन वो दिखा रहा है। अब यहाँ से सिक्योरिटी पे टैप करके देखते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी स्कैन अप करते हैं, यहाँ पे लाइक कोरोना वायरस जैसा कुछ फील दे रहा है बट काफी कूल सा ऐसा लग रहा है। एनिमेशन पे तो बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे पोको ने, जो बूस्ट स्पीड है उसमें भी आप देख लीजिए काफी अच्छा सा एनिमेशन आपको देखने को ऊपर, मतलब जो लोगो है वो काफी कूल सा देखने को मिल जाता है। बट यहाँ जब क्लीन मास्टर का डेफिनेशन आप चेक कीजिएगा तो आपको क्लीन मास्टर नहीं दिखता है जो कि बैन हो चुका है इंडिया में बट दिया गया जो कि काफी गलत है, तो यहाँ एक MIUI 12 में खराबी है। चलिए बैक हो जाते हैं एंड गैलरी ओपन कर लेते हैं आप, एंड यहाँ गैलरी में जो एल्बम सब देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से लाइक अरेंजमेंट किया गया है, अरेंजमेंट काफी अच्छा है, एंड एक वीडियो एडिटर का भी एक छोटा सा ऑप्शन दिया जाता है। चलिए इसको बैक हो जाते हैं यहाँ से एंड देन ऐप ड्रॉअर में सर्च करते हैं नोट्स, यहाँ पे नोट पैड जो का जो ओपन होता है इसमें स्टार्टिंग में सब नेक्स्ट जेस्चर्स आ जाते हैं एंड इसमें कोई नया नोट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे काफी अच्छे जो नीचे बैकग्राउंड में आपको ऑप्शन देते जाते हैं लाइक लाइफ टाइप के काफी कूल बैकग्राउंड आपको देखने को आप मिल जाते हैं, कुछ भी लाइक टाइप कर देते हैं सब रैंडम टेक्स्ट, ओके एंड ऐप बैक हो जाते हैं एंड यहाँ आप देख सकते हो ऐड हो गया काफी कूल सा बैक लग रहा है। चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ फालतू डाटा के मेरे को एंड यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। तो इतने ही फीचर्स आए हैं MIUI 12 के अपडेट के साथ, अगर मुझसे कुछ मिस हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको MIUI 12 कैसा लगा या फिर जो वीडियो मैंने बनाई वो आपको किसी तरह से यूजफुल या हेल्पफुल लगी या नहीं, एंड जो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन है उसे टैप करके चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहाँ पे नए हैं तो, एंड जो घंटी का आइकन है उसे भी टैप कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, अब मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, बाय बाय।